बिछा जाइछि पीवीसी पाइप। पाइप रो मझरे मझरे करा जाइछि कोणा। कोणा गुड़ी करे प्लास्टिक ग्लास रे नड़िया कोतागुंड भरी लगा जाइछि बिलाती बैगन कैप्सिकम आ धनिया। यह एक नुआ पद्धति, यह को हाइड्रोपोनिक पद्धति कहा जाए। केही यह को बिना माटी रे चाष कहुतिया बेले केही यह को पानी रे चाष बोली कही थंती। पारंपरिक चाषरो युवपीढ़ी मुह फेराउतिया बेले नुआ प्रजुक्ति रे एभली चाष को आपणाई अन्य चाषी को पाई प्रेरणार उत्स पलटि छंती। बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक काकरबरे गाँव संजय कुमार दास। संजय कहते एभली चाष रे 10% पानी न्यूट्रिशन और 50% सौरशक्ति रे भल बढ़ी थाए गच्छ और दे थाए बढ़िया अमल। देखो हाइड्रोपोनिक सिस्टम हूँ गोटे न्यू टेक्नोलॉजी चाष, तो आजिकल युवपीढ़ी चाष को मानने बाहर को नक चाहूला कि आम कौजे चाष को जो आम टेक्नोलॉजी हिसाब से करवा चाकरी ठार भी अधिक इनकम ये भी करपर आउ एंतर हूँ टेनसन टे कम मानते लेबर टेनसन कतु कम आउ खर्च भी टे कम जहाँ वन टाइम आप स्ट्रक्चर बाबद खर्च होन आप सब प्रडक्शन करेंगे सब समय प्रडक्शन करेंगे आउ गछर लंगजीटा भी अधिक रो जो सयल आम चाष करे मटीर चाष करे जो तार टाइम रोचार ये अधिका रोच आर हाइट रोच आउ प्रडक्शनटा भी अधिक रोच गोटे गच जी टमाटो गच भी आम जब लगे आप टू 12 kg पर्यटन प्रडक्शन दे पार कि सयल लगे आप टू 3 kg सी आराम से तरह सही होता है कि रासायनिक फर्टिलाइजर ये यूज होना केवल जैविक पदार्थ चाष हो आर फलटा भी आप लंगजी टाइम भी रोच आम यूज हो फास्ट नेटकप ककपीट आमर तार न्यूट्रिशन जो कौच तार गचर खाद्य दरकार तो से खाद्य किसी तो आम व्टर किसी मिसेक दौचे जहाँकि तार चेर मध्यम टाणी तार गच बढ़ी पार्चु। पेंथा पेंथा हो फळिछि बिलाती बैगण गोटे गोटे गछरु हेउछि 12 केजी जाए अमल। 1000 वर्ग फुट जमि रे संजय लगाइछन्ति 400 गछ। गछ प्रति से 40 टंका खर्च करिछन्ति। प्रतिबदलरे गोटे गछरु मिलुछि 480 टंका। एबे अधा अमल सरिछि सबु बिक्री हेले से एई ऋतुरे बिलातीरु पाइबे लक्षाधिक टंका। बिलाती सहित कैप्सिकम और धनिया फसल संजय स्वप्न में रंग भरी। पॉली हाउस रे हाइड्रोपोनिक पद्धति रे परिवा चाष कर चाषी मान आकर्षित करथिबा संजय बायोफ्लक पद्धति रे माछ चाष कर आत्मनिर्भरता आड़क अग्रसर होती। संजय एभली चाष यूट्यूब्रु देखि एवं तांको फार्म रे चाषी भिड़ हो ଏଇ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନେଇକି ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖି ଦେଖିଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ଶିଖିଥିଲୁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଇଏ କଲେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କର ବୋଲି ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରିବା ଲେବର ଚାର୍ଜ ଏକରେ କମିଲା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନେଇପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଅଧିକା ରହିବ କାରଣ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନିକାଲି ଗ୍ରୋନ୍ କରୁଛେ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି ଏ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି ଏ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେକି ସଏଲ ଫ୍ରି ଚାଷ ସେ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ 1000 square foot ତୁମେ ମିନିମମ୍ 400 ଗଛ ତୁମେ କର ଗୋଟେ ଗଛରେ 12 kg 12 kg 13 kg ବାହାରୁଛି। ହଁ ଯେତିକି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବାଟା ବେଟର କାହିଁକିନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ ଟାଇମ୍ ମନି 12 months ଯାକ ତୁମେ ଚାଷ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାରିଛନ୍ତି ରେମୁଣା କାକବରେର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର କୌଶଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।